साथ यहाँ सेक्रेटरी औकाफ जनाब ताहिर रजा बुखारी साहब मौजूद हैं और जोनल रोएटिंग लाल कमेटी के तमाम मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं जिनमें हमारे उलमा और मशाइख शामिल हैं। और आज हम यहाँ माह शव्वाल 1444 हिजरी के चांद देखने के लिए जमा हुए हैं जो कि ईद का चांद होना है। और इसमें अब तक जो हमारी इत्तलात हैं पंजाब की सुबह पंजाब की सतह तक, उसमें हमें कोई ऐसी शहादत मौसूल नहीं हुई, ना ही चांद की रोयत हुई है, अगरचे मतलब भी अबर आलूद रहा है। इसके अलावा हमारे साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनकी इत्तला भी यही है कि पंजाब में कहीं भी ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई कि नज़र आया हो। ताहम चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान जो है कौमी सतह पर वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी करेगी जिसका इजलास हो रहा है इस वक्त, और हम उसके ऐलान का हम सब भी इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया। पंजाब में कहीं चांद नज़र नहीं आया जी। इत्तला नहीं मौसूल हुई। शहादते के लिए क्या तरीका कार इस्तेमाल किया गया है कि दूसरे इलाके जो है वहाँ से दूसरे जो इलाके आपके हो उससे किस तरह से आपने जी? एक तो महकमा मौसमियात का नेटवर्क है, उनके सारे रबते में हैं उनके साथ, और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इत्तला दी है। इसके अलावा हमारा महकमा औकाफ का नेटवर्क है, ज़िले सतह पर भी रोयत हिलाल का इजलास होता है, वहाँ से भी इत्तला हमें मौसूल हो जाती है। तो इन सब की बुनियाद पर हम ये दुआ करवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मौला करीम अपने फजल व करम से, अपने एहसान और अपनी मेहरबानी से आने वाले महीने को, साल को उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए बास खैर फरमाएं। ख़ास तौर पर मौजूदा मुल्की हालात में अपना ख़ास फजल फरमा कर सियासी माशी इस्तेकाम अता फरमाएं। माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक में की जाने वाली जुमला इबादात को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहाबीही अजमाईन। अस्सलाम। ताहिर आ जाओ जरा।